व्लॉग। अच्छा इसको देखो कितना चालू है, ये भाग रहा है इधर, तैर इधर। नो नो बेटू नो 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 नो। गुड मॉर्निंग गाइस, रुको इसको उठा लो जरा। सुबह उठ के इसको देखो कितना शाना देखो, कैसे बाहर जाने की ट्राई कर रहा है। हाँ हाँ चला गया बाहर कितना चालू बन रहा है। तो बाहर इसको क्यों जाना मैं आपको दिखाऊंगी। तो बट अभी मैं कर रही थी सफाई, तो घर की आज अच्छे तरीके से सफाई हो रही है बहुत दिनों बाद, लेकिन अभी तक घर सेट हुआ नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब पहली बार इस घर में ढंग से सफाई हो रही है। मतलब झाड़ू पोछा लगते थे बट डस्टिंग एंड ऑल, वॉल क्लीन, मकड़ी वकड़ी हो रखे थे, स्पाइडर्स हो रखे थे घर में, जाल झूले लगे थे। ये टेबल वेबल की डस्टिंग करी है, ये पूरा बेड वेड झाड़ा है, सारा कुछ कर रही हूँ। और उसी के साथ आज ब्रेकफास्ट और लंच हमारा एक साथ ही होने वाला है। इतना पागल ही है, गाड़ी बाहर छोड़ के आएगा, वॉक करते हुए अंदर आएगा, तो पीछे लेने गया और हाथ में उठा के ले जाओगे। वाओ क्या क्या दे रही हो तुम नानी। गुड मॉर्निंग। बस ऐसी चीज दे रही जिससे हमारा बहुत ऐसा बोलते ना दिल वाला नाता था, दिल वाला नाता। उस पे हम सोते थे, उस पे हम खाते थे, उस पे हम अपनी मूवी डेट्स करते थे, उस पे चढ़ के ऑस्टू अपनी विंडो पे जाता था। हाइड एंड सीक, ऑस्कर के हाइड एंड सीक की प्लेस है, ऑस्कर की हाइड एंड सीक वाली प्लेस। सब क्या है वो बताओ गाइस, जल्दी बताओ, थोड़ी देर बताएंगे, दिखा के बताएंगे। नहीं मैं दिखा ही दूं, देखो सफाई हो रही है, झाड़ू वो लग रही है। दिखा दिया नहीं, दिखा के बताएंगे। चार थोड़ा सा खुला इधर गया बाथरूम में, इधर से मुंह मारा और गेट खोल दिया इसने, इतना चालाक कितना अच्छा बच्चा है। मैं बेटा को बाथरूम में बंद कर रही है। नानू नानू कितनी गंदे लड़की हो गई। अशु कहाँ गया? अशो अशो को बंद कर दिया इसने बाथरूम में। अशो अशो खोलो बेटा गेट, नानी गुस्सा नहीं होते। आगे मेरा बच्चा आ गया, आगे मेरा बच्चा। नानू ने बंद करा था, बाइट कर दे नानू को। हाँ डांट दे नानू को। हाँ गंदी नानू है, नानू गंदी है बहुत। आ जा पीछे आ जा बैठ पे। यहाँ से डांटेंगे, नानू को। अरे 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 मत और ये लाला ही आज मंदिर भी लगवा लेंगे गाइस। आज और भी छोटे मोटे काम जो होने हैं, सेट करना है घर, वो भी कर लेंगे। और आज डोर वोर भी क्लीन करने हैं, बहुत ज्यादा ही गंदे हो रहे हैं, दिखाना शक्ल अपनी। मेन गेट, रूम का गेट, बाथरूम का गेट, सब बहुत गंदे हो रखे हैं, सब क्लीन करना पड़ेगा। मेरे को तो आज झाड़ू लगाते लगाते नहीं छींके आ गई है। हाँ ये बहुत डस्ट हो रखी है घर में मेरे पास। अब मेरी बिल्डिंग का काम चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सुनाते रहोगे, ठीक है भाई? पर डस्टिंग से मेरे को तो छींक हो जाती है ना ऐसे। फिर भी घर में तो थोड़ी बहुत सफाई रख सकता है ना बंदा। खिड़की खुली रहती है यार, आती रहती है। ओके गाइस, तो जरा थोड़ा सा सफाई कर ले और जो एक चीज जाने वाली है वो भी दिखाते हैं आपको। बंद कर ले गाइस, हमारी यादों में से क्या जा रही है, जल्दी दिखाओ। हमारा सोफा जा रहा है, इमोशनल हो चुका है सेल। तो बस हमारा सोफा जाओगा, इट्स बीन सो लॉन्ग। अब इस घर में सिर्फ अलमारियां ही अलमारियां रह गई हैं, जहां देखो वहां अलमारी है। इसको पकड़ के बैठना पड़ रहा है ढोलू को ऐसे, वरना ही भाग जाएगा। गाइस इट्स फाइनल गुड बाय टू आवर सोफा, पूरा खाली हो चुका है। अशोक तुम कहीं मत जाओ, चलो मैं अशोक गया। सोफा सोना का सोफा गया, अब सोफा कहाँ है, अब सोफे पे कौन बैठेगा, अब तो गया सोफा, अब मामा के पास बैठेंगे। सोफा
सोफा जा चुका है हमारा और अब करेंगे हम अपना ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ब्रंच। सो खाना ऑलरेडी हो चुका है सेट टेबल्स पे। अशोक ऊपर आ जा चेयर पे आई जरा। Our all times we all three are together for our breakfast. I don't know Oscar aa rahe ki nahi aa raha mera bhai aa rahe yaar it was 0.6 mein karna hai to bhai to sab aa rahe hain so hamara kuch chuka hai kya hai baby shona kon bana rahe ho aapki aap khad the aapko khana to hamare dhyan kya kya aapko nahi khana khana to hum kar rahe hain apna breakfast lunch aur aaj khane mein bana hai special ev special आज का स्पेशल है ये। नानू बताओ कैसा लग रहा है? हल्दी ज्यादा नहीं है। अच्छा कहाँ मेरी बेटा बेटा गुड बॉय बनके। सो गाइस हम कर लेते ब्रेकफास्ट। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है तो थोड़ा सा हालत भी ठीक करके मिलेंगे आपसे। और क्या और बस देखते हैं अभी इन घर की सेटिंग तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल कुछ पुरानी चीज़ें निकलेंगी नई चीज़ें आएंगी। जब पहले जब पुरानी चीज़ें निकलें तब नई चीज़ें लाएंगे हम। ये बात भी सही है। ये हो सकता है बीच में आते रहे क्योंकि पर हमारे पास टाइम भी नहीं है। संडे का टाइम था अब वीकेंड फिर से वीकेंड का वेट करना पड़ेगा पूरे 5 दिन ऑफिस की मजदूरी करने के बाद 6 दिन सैटरडे संडे तक के खाएंगे फिर हम घर के कामों में। बहुत हेक्टिक जा रहा है ये मंथ। चलो बाय। 6 दिन है 6 दिन। हाँ धोना हो चुका है और आज किचन में होने वाला है कुछ स्पेशल। आज बन रहा है घर में खाना जैसा आपको बताया था मेरे जाना। तो पहली चीज हम बनाने वाले हैं आज इस घर में क्या आज बनेगा बेसन का हलवा। तो उसके लिए चाहिए बेसन और चाहिए घी और चाहिए हमें शक्कर जो चला रही है अपना चक्कर। किसके साथ? नमक चीनी का घोल बना रही है। तो हमें चाहिए शक्कर। तो हम बनाने वाले हैं आज बेसन का हलवा इन माय पहली रसोई नए घर में। पहली रसोई वीक की फाइनली हो रही है आज। तो मैं सब कुछ रेडी कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको कि क्या क्या करना है। तो किसी ने मेरे से पहले भी पूछा था कि बेसन का हलवा बनाते कैसे हो तो या गाइस मैं उसका मिनी ब्लॉग बना दूंगी तो आप देख लेना कैसे बनता है। बट अभी फिलहाल मैं प्रिपरेशन कर लूँ तो नहा धो के अभी लेट हो गया है क्योंकि मम्मी ने बोला था कि आज कुछ है दोपहर में खाना ना बनाना तो हम शाम में बना रहे हैं तो कर लेते हैं जल्दी से। हाँ बन रहा है बेसन का हलवा। ये सब तैयारी शारी लग के ये मैं भून रही हूँ बेसन और आपको बेसन के हलवे की शॉर्ट मिल जाएगी मतलब मिनी ब्लॉग मिल जाएगा मेरे चैनल पर। आप देख लेना कैसे बनाते हैं। फिलहाल पहली चीज़ घर में बन रही है मीठा। मीठे से शुरुआत होती है अच्छी चीज़ों की तो बनना है बेसन का हलवा क्योंकि बेसन का हलवा मुझे भी बहुत पसंद है और नानू को भी बहुत पसंद है। तो वे आर जस्ट मेकिंग इट। ये बन जाए ज़रा उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है क्या। अभी खाना भी खाना है तो भूख भी लग रही है तो खाना बनाना है तो जल्दी से बना लेते हैं उसके बाद मिलेंगे आपसे। अब मम्मा क्या कर रही है? मम्मा ने रोटी हम बना ली। नाइस डे करो गोलन गोल रोटी। मम्मी की रोटी गोल गोल पापा का पैसा गोल गोल हम भी गोल तुम भी गोल सारी दुनिया गोलन गोल गोल मटोल। तो हम अभी गोलन गोल करेंगे। ये लड़की करेगी पूजा। पूजा को बुलाओ। पूजा तो करूंगी ना मैं आज मैं करूंगी तब वो आएगी। ओके देख रहा हूँ कोई नहीं है लैन देख रहा हूँ लड़की देख रहा हूँ आया 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 भाग गाइस टंकी देख रहा हूँ कहाँ है छुपा टंकी टंकियाँ डाब टंकी तो ऊपर है इधर ऊपर ये डाब डाब आज ऊपर क्या है
छिपकली अर्जुन कहते ऊपर छिपकली तेरी तो कहाँ थी छिपकली बड़े इस घर पे छिपकली नहीं होती उस घर पे होती हाँ इधर भी है उठी गंगी झूठी औरत तू लेके आई है छिपकली तुम लेके आए हो अपने चीजों के साथ तो कॉकरोच लाती लाती हद हो गई हद हो गई अशोक कॉकरोच सोफा हो चुका है खाली मतलब सोफा हो चुका है सोफा जा चुका है तो घर हो चुका है खाली टीवी चला लिया हमने नानू दीदी एड़ी नहा धो के बैठी है ये देखो खाने में है आज आलू गोभी रोटी सैलड चटनी और बेसन का हलवा पंचरंगा तो मेरा जो पहला इधर शूज आ रहे होंगे तो मेरी पहली रसोई का जो है वो बन चुका है खाना आज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस हाउस अब आगे से हम बढ़िया बढ़िया से घर में बना बना के खाना खाएगा खाया करेंगे फर्स्ट रसोई का पहला तुम आओ बेसन का हलवा बात यह है ना कि प्रसाद के नाम पे बना तो और टेस्टी होता है ओह माय गॉड मेरा तो फेवरेट है इसको कुछ तो मीठा पसंद है चलो बेसन का हलवा वरना ऐसे मीठा ज्यादा पसंद है नहीं तो खाना क्योंकि बहुत भूख लग रही है मिलते हैं आपसे बाद में खाना खा के पहले तुम खा के बताओ खाना मस्त है मैं तो अंदर ही खा के आया चटनी भी ले लो ये चटनी नानू ने बनाई गाइस मैं वाला मुंह बना रही है सब्जी के लिए थोड़ा सा योगदान नानू का भी है इसमें ये भी योगदान मेरा है हाँ ये सैलेड ऐसे तो सब्जी काटती तुम ही हो ऐसे सब्जी की जो बनी है आलू गोभी वो भी तुमने ही काटी है चलो जल्दी खा के बताओ फटाक से हाउ इज इट आफ्टर सो लॉन्ग नानू हैविंग इवीज का खाना इवीज की किचन से खाना इवीज किचन वो 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 खाओ जल्दी खाओ तुम खाओ तुम खाओ नहीं तुम खा चल ले ये देख आलू मैं नहीं खाता चटनी खाई है मैंने क्योंकि मैंने एक बार बना ली थी भाई घर पे मेरे को नहीं अच्छी लगी चटनी इतने चार महीने में मैंने एक दिन बनाई थी धनिया की चटनी मेरे से ना बन पाई तो तो जल्दी से खाते हैं खाना और सुने भी अपनी क्या बोन फिनिश कर ली फटाक से गुड बॉय तो चाना बच्चा हो गया सही बनी है हाँ? अच्छा पता नहीं कुछ सही चलो गाइस खा लेते हैं बाय कल जैसे कि आपने हम लोग यूट्यूब पे लाइव आए थे तो वो तो पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा बट हम यूट्यूब पे लाइव आए थे दो आई डोंट नो कि वो हमने शेयर किया है कि नहीं किया है हम कर रहे हैं ये शेयर हम ही शेयर कर रहे हैं ओके तो थोड़े से क्लिप तो बनते हैं यार लेट्स गेट स्टार्टेड तो हम आपका नाम हमारे ब्लॉग में लेने वाले हैं वो भी कुछ टाइम के लिए सो लेट्स स्टार्ट इट 3 2 1 नाउ पिंकी गोयल प्रीति दाक अंजलि राजपूत पलक मलिका खान स्नेहा अंजलि राजपूत इट्स योर्स टू सबुन खातून पलक प्रीति जब्बा शिवानी स्नेहा ये तो बोल दिया हमने बेस्ट शिवजी क्या था रॉयल मैं नहीं पढ़ पा रही रॉयल डियर रॉकस्टार यार यहाँ पे आ जाएंगे सारे गाइस मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ बीटीएस आर्मी प्रोमिता कायल गीता गोस्वामी नेहा शर्मा तो हो गया इमी गौरी रहेजा पंजाबी तो बोल दिया मैंने सब ये मेरा हाथ जो हिला ना उसका वजह से हिल रहा है देखो यहाँ बैठा है
मार लानी है सर। आई बेबी इज आल्सो नो आई बेबी ये तो गाइस बड़ा मजा आया हम लोग के साथ टाइम बाद मिलके, तो मिलते हैं थोड़ी देर में व्लॉग ये लाइव एंड कर देते हैं जरा। बात ये है कि आपके साथ अभी अभी हम लाइव थे, आपने देखा। इसके बाद हम ऑस्कर को लेके घूमी घूमी गए थे। यस, इस घूमी घूमी की शक्ल देख लो। यस, हम गड्ढों के आ गए। हमने दिखाया नहीं बिकॉज ये फोन जो है वो यहीं पे रह गया था घर पे, और इसको मेरे फोन में वीडियो बनानी नहीं थी। बट मीनवाइल व्हाट ईवी शर्मा इज डूइंग, वो किसको काट रही है? लोगों को काटते हुए देखा होगा, बट आज ईवी शर्मा किसे काट रही है? चाकू लेके खड़ी है। तो गाइस वैसे मैं बता दूं मैं क्यों काट रही हूं, क्या काट रही हूं, किसको काट रही हूं, क्योंकि मेरे ना गले में फंस गया एक बाल है उसका, शायद दो तीन दिन से बहुत ऐसे बिल्कुल कुछ कुछ हो रहा है, खुजली। अभी 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 मैंने बनाना भी खाया दो, बट मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे ये भी कर लेना चाहिए टूट के जो मैं बनाती रहती हूं। ओह भाई, तो आई हैव दिस नाइफ, आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज पानी को काटो। ऐसे तरीके से पानी कट गया, ऐसा बोलता है काटे हुए पानी से अगर आपके गाले में कोई बाल वाल फंसा है तो वो हट जाता है, ऐसा बोलता है। गाइस मुझे सच में जानना है कि कौन कौन ऐसे टोट के अपनाता है, और एक्चुअल में किसको लगता है कि ऐसी चीज करने से एक्चुअल में चीजें होती है। वो ये वहम है, ठीक है। ऑल्दो ये वहम है ऐसा ईवी शर्मा का कहना है, इस वहम को भी अपनाते हुए अभी जस्ट उन्होंने लाइव दिखाया है आप सबको। तो हमें यही जानना है कि आप में से कौन कौन है जो ये हरकतें करते हैं, ठीक है? ठीक है, देखो 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 ये कटी हुई जो है ना, देखो देखो क्या चोरी वगैरह खा रही है, देखियो देखो चोरी वगैरह खा रही है। आधी रात को बेसन का हलवा चोरी करते हुए खाती हुई पकड़ी गई ईवी शर्मा, और ऊपर से उसका लल्ला देगा ना, मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं, अकेले खा गई और उसको प्रसाद नहीं दिया। दे दे, ये देखिए ये माँ बेटे लगे हुए आधी रात को अपने में, मुझे कोई पूछता भी नहीं। तुम वीडियो बना रहे हो ना, दो कटोरी भर के कितने खाए हैं अभी? मैं ये कौन बताएगा? मैं नजर लगा रही है, ठीक है। अगर जब मैं नहीं खाता ना तब मेरे पीछे पड़ जाती है, मैं बनाती हूँ किसी को खाना नहीं होता, मैं बनाती हूँ किसी पड़े रहते हैं, ये हो जाता है। आज दो कटोरी खा लिया, आज दो कटोरी खा लिया, तो भाई साहब ये बंदी ने मेरे को दो बार सुना दिया। सुन रहे हो? देखो ध्यान से देखो इस ईवी शर्मा की शक्ल, ये तुमने बोली है ना, मेरे को पसंद नहीं आई है मुझे। सो सॉरी, देखो गुस्सा हो गया, कुछ भी बकवास कर रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ ईवी शर्मा गुस्सा होते थे। गाइस कौन कौन मिस कर रहा था ये लड़ाइयाँ? सब मिस कर रहा था। चलो बस जाओ मीटिंग पे, टाइम मिल रहा है। देखो एज ईवी शर्मा ऑलवेज से ऑल्दो That was just a मजाक वाली लाइन, और मैं मजाक में बोल रहा था, बट हमारी ईवी शर्मा सीरियस हो गई, तो लेट मी टॉक टू दिस। जिस बीमार इंसान ने पूछा था ईवी शर्मा के मेकअप का बताएं, तो ये देखिए ये जो दो पिटारे हैं, ये जो दो पिटारे दिख रहे हैं आपको, और ईवी शर्मा आधी रात को, रात के 11:15 बजे आधी रात को क्या कर रही है ईवी शर्मा, क्या आप जानना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं जानना चाहता। आप जानना चाहते हैं, मुझे पता है आप जबरदस्ती जानना चाहते हैं, और बात ये हो रही है कि ये देखिए ये निकले दो पिटारे, ये हमारी लड़की नाखून, ये दो, ये पितरंगे मुझे पता था। यहाँ पे ये शक्ल देख रही, ये जूम वाली शक्ल, ये देखो गाइस, मैं आज अपने फ्रेंच नेल्स बनाऊंगी। गाइस यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज लगाएंगी अपने नेल्स में, गाइस इस नेल्स में ये फ्रेंच फ्राइज लगाएंगे, ये फ्रेंच हो जाएंगे। ये जो लाल कलर का कच्चा लटक रहा है उसका क्या, और ये जो लाल कलर का कच्चा लटक रहा है तुम्हारे पीछे उसका क्या, तुम्हारे पीछे सूख रहे कपड़े, बारिश हो रही बाहर तो। ओके गाइस, नाइट रूटीन के साथ करते हैं ये वाला व्लॉग, एंड क्योंकि नाइट रूटीन में क्या होता है, एक ये भैया जी का खाना जो ये हो चुका है डन, और मेरा लिप बाम और अलग अलग जेल लगाना, और कल से वही अपनी नॉर्मल लाइफ, वापस ऑफिस जाना, फिर वापस घर आना।
ऑफिस के धक्के खाना, तो वो लाइफ वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी चलते हैं सोने, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो सोते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तो इसी के साथ करते हैं वाला व्लॉग एंड। आपको करना है क्या, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक। बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स, कच्चे कच्चे घर से आई लव यू, टिंग टूडल्स।